Today, I am going to do a review of a very popular motivating book, which claims that this book can do miracles in our lives. The Power of Your Subconscious Mind, which was written by a leading expert on the subject, Dr. Joseph Murphy. Good morning, everybody. I am going to review the book, The 7 Habits of Highly Effective People. Good evening, everyone. My respected colleagues and my dear students, we are celebrating National Reading Week. And the book that I am going to review today for you is this. The original title of the book in English is The Adventures of Rusty by Rustin Bond. At the end of reading week, I am going to review a very popular book, The Alchemist, beautifully written by a Brazilian author, Paulo Coelho. सैकड़ों वर्षों की गुलामी के पश्चात 1947 15 अगस्त 1947 को भारत अंग्रेजों से स्वतंत्र हुआ। स्वतंत्रता, जब इस शब्द को हम अपने अंदर गुनगुनाते हैं तो हमारे अंदर एक अजीब प्रकार का, एक विशेष प्रकार का भाव जागृत होता है। वो तंत्र, हमारा स्वयं का तंत्र, हम किसी के आदेशों के, उसकी इच्छा के गुलाम नहीं। हम अपने तरीके से विचार कर सकते हैं, हम उन विचारों का प्रतिपालन कर सकते हैं। मेरा पड़ोसी पीछे है, मैं पहले हूँ, इसके कारण से होता ये है कि हम गंदगी को अपने पास रखना पसंद करते हैं। और जब कोई कानून बनता है या कोर्ट होता है या कोई आंदोलन होता है तब ये हम सोचते हैं कि ठीक है, अब ये हमारी जिम्मेदारी है, तब हम उसको पूर्ण करने की कोशिश करते हैं। एक छोटा सा उदाहरण है, बाकी आप अपने जीवन में देखेंगे आपको अपने अंदर अनेकों प्रकार की ऐसी बातें हमें समझ में आएंगी जहाँ हम उन बंधनों के, अपनी मानसिक गुलामी के कारण से हम अपने मन की जो, और अपने मन की और जो दूसरों को भी अच्छा लगे ऐसा काम नहीं कर पाते। इस 74वें स्वतंत्रता दिवस की आपको शुभकामनाएं देता हूं।
of Indian Constitution. We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic, and political liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact, and give to ourselves this Constitution. Jai Hind. तो कोई बताएगा इसका क्या जरूरी है, संविधान का क्या necessity है? अगर संविधान नहीं होता तो क्या होता? So no one would be following the rules and regulations. भारतीय संविधान की उद्देशिका। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्म अर्पित करते हैं। नमस्कार, आज भारत संगम के अंतर्गत मैं प्राची शर्मा कक्षा 9वीं ब से राजस्थानी भाषा में आपके सामने कुछ वाक्य लेकर प्रस्तुत हुई हूँ जो कुछ इस प्रकार है। हिंदी में आज का मौसम कैसा है? आज का मौसम बहुत ठंडा है। राजस्थानी में आज का मौसम कस्यो छे, आज का मौसम घनो ठंडो छे। हिंदी में आपके घर में कौन कौन रहता है? मेरे घर में मेरे मम्मी पापा भाई बहन रहते हैं। राजस्थानी में थाका घर में कून कून रेव छे, मारा घर में मारा मम्मी पापा भाई बहन रेव छे। धन्यवाद। लागी प्यारी फूलवारी या तो झूम झूम जाए, लागी प्यारी फूलवारी या तो झूम झूम जाए, लाए गोड़ी रोशन देसो घर आओ ने सजन, लाई गोड़ी रोशन देसो घर आओ ने सजन, बैरिया सुरो रोहार बिखर नहीं जाए, बैरिया सुरो रोहार बिखर नहीं जाए, कोई चवड़ी रीढ़ी चुनरी ले साल पर जाए, कोई चवड़ी रीढ़ी चुनरी ले साल पर जाए, धीरे झालो रे बायरिया हले हालो रे बायरिया, झालो सयो नहीं जाए, धीरे झालो रे बायरिया झालो सयो नहीं जाए। आज भाषा संगम के अंतर्गत मैं रोहन शर्मा कक्षा 7 अ से आपके सामने एक राजस्थानी कविता प्रस्तुत कर रहा हूँ जो इस प्रकार है। आ टप टप बरसे बादली जन जन रो मन हड़खावे, मोरिया बोलिए रूखा पे माटी री रयो रम आवे, हाली री आनख्या माथे आसरी किरण टिमटिमावे, सजनी रो हिर हिवरी गदगद परदेसी री ओलियो आवे। आओ जी आओ घूम रही